गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड हमारा चैप्टर चल रहा था इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है यानी हम उसमें इससे पहले दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं एक हमने एग्रीकल्चर टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं दूसरा हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं अब नेक्स्ट सेक्टर पर आते हैं फॉरन ट्रेड पर हमारा फॉरन ट्रेड की जो कंडीशन थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कैसी थी तो ये हम सब जानते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड जो हमारे फॉरेन ट्रेड है वो वर्स्ट कंडीशन थी जितना भी उन्होंने स्ट्रक्चर डेवलप किया जितना भी चीज़ें बनाई पॉलिसीज़ बनाई वो हमारे ट्रेड को ख़राब करने के लिए हमें बर्बाद करने के लिए चीज़ें बनाई गई और वो जो भी ट्रेड करते थे जितना भी उन्होंने ट्रेड किया हमारे इंडिया से किसी भी कंट्री के अंदर किया हो अपने यहाँ किया हो वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए किया ठीक है जैसे कि फ़ॉर एक्ज़ाम्पल हमारा जो ट्रेड था वो ज़्यादातर इंग्लैंड से होता था जितना भी ट्रेड हो रहा है वो हमारा इंग्लैंड से होता था उसके अलावा जो कंट्रीज उन्होंने हमें फ्री दे रखे थे बोले आप वहाँ काट सकते हैं जैसे श्रीलंका कर सकते हैं हम चाइना कर सकते हैं हम रशिया कर सकते हैं बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वहाँ पर हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन थी फ़ॉरन ट्रेड करने के लिए तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो वो अपने फ़ायदे के लिए पूरी तरीके से कंट्रोल करते थे हमारे ट्रेड को और जिस वजह से हम ये कह सकते हैं जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ डिक्लाइन हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं जैसे एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स ठीक है इम्पोर्टर ऑफ ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर प्राइमरी प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है यानी जो हमारा एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है इम्पोर्ट से इम्पोर्ट कम हो रहा है यहाँ पर जो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था और प्राइमरी प्रोडक्ट किससे एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा हो रहा है तो हमारे पास आप ये कह सकते हो कुछ ना कुछ हमारे पास कम हो जा रहा था या कम चीज़ें रह रही थी क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो रहा है और उसके बदले में हमारे पास पैसा भी नहीं आ रहा उस एक्सपोर्ट का <स्थिण> या तो ये होता कि उस एक्सपोर्ट से पैसा हमारे पास आता उस ज़माने में सिल्वर वगैरह चीज़ें थी कॉइन्स थे तो वो वो सारी चीज़ें हमारे पास इंडिया में नहीं आ रही थी वो डायरेक्टली किसके पास जा रही थी ब्रिटिश के पास जा रही थी ब्रिटिश क्या करते थे उसको अपने ऑफिसेस बना रहे थे उससे यानी वो पैसा इंडिया के डेवलपमेंट में नहीं लग रहा था जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पीछियस हो गए स्टोन्स हो गए जूट हो गया कॉटन हो गया ये हम एक्सपोर्ट करते थे ठीक है तो हमारा जो प्राइमरी प्रोडक्ट सिल्क ये सब चीज़ें हमारी वो जाती थी बन के यहाँ से रॉ एज ए रॉ मटेरियल जो है हमारे ब्रिटिश ले जाते थे यहाँ से रॉ मटेरियल की फॉर्म में और वहां से बनाकर इंपोर्ट मतलब जब सामान आता था इंपोर्ट आता था और फिनिश गुड जो आता था वो वुलन के कपड़े आ गए क्लॉथ्स आ गए ठीक है अदर मेटल्स आ गया कैपिटल गुड्स आ गए ठीक है वो सारी चीज़ें वो बाहर से आती थी ठीक है और उससे पैसा भी आएगा वो पैसा सब कौन रखता था ब्रिटिश गवर्नमेंट रखती थी वो ब्रिटिश के पास रहता था और उस पैसे का वो कहाँ यूज़ करते थे वॉर के अंदर जो उनके आपने सुना होगा कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया तो वो हमारा इंडिया का पैसा काफ़ी लगा उसमें फिर दूसरा उनके ऑफिसेस जो ब्रिटिश में थे कहीं और भी किसी कंट्री में थे तो वो अपने अपने जो ऑफिसेज थे उन्होंने उसको सेटअप करने की कोशिश करी हमारे पैसे से अब आते हैं नेक्स्ट मोनोपोली कंट्रोल बाई ब्रिटिशर्स क्या मोनोपोली थी कि भाई पूरी तरीके से वो ट्रेड को हमारे कंट्रोल कर रहे थे ये सबसे बड़ी मोनोपोली थी हमारे हम इंडिया वाले हम उस ट्रेड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे जैसे कि हम बात करें मैंने अभी बताया था शुरुआत में कि कुछ ही कंट्री ऐसे थे जहाँ पे हम आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे जैसे श्रीलंका हुआ आपका चाइना हुआ और आपका परश ईरान हुआ बाकी अदर कंट्रीज़ के ऊपर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी तो 1869 में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट कह सकते हो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से सुइस कैनाल ओपन हुआ सुइस कैनाल ठीक है जो डायरेक्ट कह सकते हो आप ब्रिटिश रूट के लिए था जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा यहाँ से इंडिया है ठीक है और यहाँ पे अफ्रीका और यहाँ से एक रास्ता उन्होंने काटा उसको हमने सुइस कैनाल का नाम दिया ठीक है तो अदरवाइज़ हमारा जो रूट था वो पूरा इस तरीके से जा रहा था घूम के कई दिन लगते थे और इस रूट की वजह से हमारा डायरेक्ट जो रूट शिपिंग रूट हो गया जिससे हमारे जो है ट्रेड के ख़ासतौर से इंग्लैंड की जाने के रास्ते और अदर यूरोपियन कंट्रीज जाने के रास्ते बहुत शॉर्ट एक महीना कम हो गया कम से कम तो ये ट्रेड बहुत ज़्यादा ये जो जी कैनाल था एक बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन ही कह सकते हो आप उस ज़माने में जिससे हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया और उस ट्रेड्स को पूरी तरीके से कौन कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे हम इंडिया से जितना भी रॉ मेटेरियल जा रहा था और वहाँ से जो इम्पोर्ट होकर आ रहा था फ्रेंच गुड्स वो हमारे इंडिया में आके बिक रहा था और कॉस्टली बिक रहा था महंगे दामों में बिक रहा था तो ये सारी चीज़ें हमारी फॉरन ट्रेड में हो रही थी फिर था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ अब ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ मैंने कहा ना कि वो सारा पैसा कहाँ जा रहा था ड्रेन मतलब जाना ख़त्म होना निकालना कोई हमारे हमारे वेल्थ में से कोई चीज़ निकालना है तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे हमारे एक्सपोर्ट का जो पैसा था फिनिश गुड्स का जो पैसा था जो भी सामान जा गया चला गया एक्सपोर्ट हो गया वो जो पैसा था वो वॉर में लगा रहे थे सेटअप ऑफिस अपने ऑफिस में लगा रहे थे तो वो पैसा डायरेक्टली वो यूज़ कर रहे थे हमारे इंडिया में इंडिया के डेवलपमेंट में उन्होंने पैसा नहीं लगाया ठीक है और क्या कर रहे थे इनविजिबल आइटम्स को भी वो इंपोर्ट कर रहे थे अब इनविजिबल आइटम्स में आप जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जैसे बैंकिंग आता है वो इनविजिबल आइटम में आता है बैंकिंग इंश्योरेंस ये सब इनविजिबल आइटम्स में तो वो इनविजिबल आइटम में भी पैसा लगा रहे थे ब्रिटेन बिते, तो ये फॉरन ट्रेडिंग कंडीशन थी तो आप ये कह सकते हैं जनरल ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड फॉरन कंडीशन फॉरन ट्रेड कंडीशन इज़ वेरी वर्स्ट कंडीशन देर इज नो इम्प्रूवमेंट बाय द ब्रिटिट दे आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द फॉर ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे सिल्क हो गया कॉटन हो गया जूट हो गया इंडको हो गया ठीक है और इम्पोर्टर फिनिश गुड्स में आपका जाएगा आपका बुलेन हो गया हो गया कैपिटल गुड्स हो गया गया मोनोपोली बाय बाय द द ब्रिटिश रूल होल ट्रेड फिर आ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ दे आर यूजिंग द इंडियन इकनॉमी या इंडियन मनी फॉर सेटिंग ऑफ द वॉर सेटिंग ऑफ द ऑफिस बैंकिंग नॉट सेटिंग ऑफ द वॉर मतलब वॉर में वो हमारा पैसा लगा रहे हैं इंडिया का पैसा वॉर में लगा रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट है फॉरन ट्रेड के अब नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं इसके अंदर वंस अगेन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं ठीक है फ़ॉरन ट्रेड के आगे डेमोग्राफिक कंडीशन ठीक है डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब यहाँ पर यह ओवरऑल चीज़ें हम अपनी रिलेटेड टू द पॉपुलेशन देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई में कैसे हैं हम लोग जो है हमारी जो बर्थ रेट है डेथ रेट है हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं वो सारी चीज़ें डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर आ जाएंगी ठीक है यानी हमारे इंडिया के पूरी तरीके से हालात कैसे हैं हम हम किस तरीके से जी रहे हैं किस तरीके की हमारी लाइफ है वो सब हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर आ जाएंगी तो ये कैसे पता लगता है कि हर साल इतने लोग पैदा हुए या हर साल लोग इतने मर गए ठीक है कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने लोग नहीं हैं कितने फीमेल्स पढ़े लिखे हैं कितने मेल्स पढ़े लिखे हैं तो वो सब एक सेंसस है यानी ऑफिशियल एक सेंसस आता है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट देती है एन नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती है उसका हर हर दस साल में वो सर्वे होता है तो पहला जो ऑफिशियल सेंसस आया था वो एटीन में आया था ठीक है तो उसमें हर और हर दस साल के बाद आता है उसमें हमारी पूरी डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में बताया है कि हम लोग की पॉपुलेशन इतनी है उसमें मेल और फीमेल कितने हैं और पब्लिक फैसिलिटीज कैसी काम करती है यानी हेल्थ कैसी है हमारी वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई थी सेंसस के अंदर फिर एक नाइनटीन ग्रेट डिवाइड ईयर ये इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है तो ग्रेट डिवाइड ईयर का मतलब होता है कि यानी बिफोर 1921 से पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन डिक्लाइन हो रही या कह सकते हो तो आप कॉन्सटेंट थी ना बड़े दिन घट घट रही थी ठीक है लेकिन 1921 के बाद और आज तक हमारी पॉपुलेशन कभी भी डिक्लाइनिंग फेज़ में नहीं गई तो ये पीरियड इस वजह से इस वजह से कहा गया है ग्रेट डिवाइड ईयर यानी आफ्टर दैट पीरियड नाइनटीन हमारी जो पॉपुलेशन नेवर डिक्लाइन अब डेमोग्राफिक कंडीशन में हम ये कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं हाई बर्थ एंड डेथ रेट लो लिटरेसी रेट पुअर हेल्थ हाई इन्फेंट मोटी रेट लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी अब आपने देखा होगा हमने ये चीज़ सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं और इन पॉइंट्स में सब कुछ आप समझ गए होंगे मोस्टली कि भाई ज़्यादा लोग पैदा हो रहे थे ज़्यादा लोग मर रहे थे यानी जो कंडीशन थी डरिंग द ब्रिटिश पीरियड जितनी भी कंडीशन डूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वो कहीं ना कहीं हमारी वर्स्ट कंडीशन में आती थी हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी क्योंकि ब्रिटिश ने कोई भी काम नहीं किया था कि हमें कोई प्रोवाइड करें मेडिकल फैसिलिटीज़ नो मेडिकल फैसिलिटीज़ ठीक है कोई भी फैसिलिटीज़ पे काम नहीं किया था तो हाई बर्थ रेट हम जितने पैदा हो रहे थे उतने ही हम मर रहे थे ठीक है तो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट लगभग फोर्टी टू फोर्टी एट करीब करीब पर थाउजेंड के हिसाब से हमारा जो डेथ रेट था वो था फोर्टी एट और पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली फोर्टी टू फोर्टी टू फोर्टी एट पर थाउजेंड मतलब जितने हम लोग पैदा हो रहे हैं उतनी हम मर जा रहे हैं ठीक है तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास तो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट बुखार आया तो मर गए मलेरिया हुआ तो मर गए क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज थी नहीं ठीक है एयर बॉन्ड बीमारी हुई जो हवा में फैलती बीमारियाँ उससे काफ़ी लोगों की डेथ हुई तो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट लो लिटरेसी ऑलमोस्ट 16 परसेंट लिटरेसी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब पूरे इंडिया के अंदर और उसमें भी सेवन परसेंट आप फीमेल की लिटरेसी रेट कहते हैं, फीमेल लिटरेसी रेट ठीक है फीमेल लिटरेसी रेट अब जितने भी लोग उस जमाने में पढ़ते थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कह लो या नाइनटीन सेंचुरी की शुरुआत में कह लो एटीन सेंचुरी में कह लो लास्ट में तो सब लोग अमीर घरानों के पढ़ते थे गरीब इंसान पढ़ नहीं पाता था क्योंकि एजुकेशन महंगी थी एजुकेशन कॉस्टली थी उस टाइम में और जो है ये हमारा लिटरेसी रेट था तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अंग्रेजों ने कोई भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कंट्री में फायदा नहीं किया पूरा हेल्थ फैसिलिटीज मतलब नो मेडिकल फैसिलिटीज नो पब्लिक फैसिलिटीज ठीक है कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं किया ना तो हमारा साफ पानी था सैनिटाइजेशन नहीं था ठीक है ये सारी चीजें हमारी पुअर हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर आ रही थी और पूरी तरीके से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी भी थी चारों तो गरीबी भी, भी थी तो पुअर हेल्थ थी हमारी यानी आप कह सकते हो मेल न्यूट्रिशन काफी लेवल पर बड़ा था ठीक खाने को प्रॉपर तरीके से नहीं था हमारे पास तो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी हमारे पास डूरिंग बड डि हाई इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट हाई इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट पर थाउजेंड यानी ये भी हम लगाएंगे तो पर थाउजेंड दो सौ अट्ठारह टू हंड्रेड पर थाउजेंड के हिसाब से जो बच्चे थे एक साल के अंदर अंदर मर जाया करते थे पर थाउजेंड ये हमारा इन्फेंट मोटिलिटी रेट था आज हम बात करें तो करीब करीब एटीन या ट्वेंटी के ट्वेंटी सेवन के आसपास हमारा हाई इन्फेंट मोटिलिटी रेट होगा और ठीक है तो जितने लोग बच्चे पैदा हो रहे थे उसमें से दो सौ अट्ठारह जो है पैदा होते ही उसके आसपास ही वो मर जाया करते थे हाई इन्फेंट मोटिलिटी रेट अब आते हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक एवरेज लाइफ कितनी थी उस टाइम में थर्टी टू ईयर्स किसी किसी बुक में थर्टी सेवन भी हो सकता है इट अप टू द देख लीजिएगा आप कहीं थर्टी टू होगा कहीं थर्टी फाइव भी हो सकता है कहीं थर्टी सेवन भी हो सकता है लेकिन एवरेज कहीं हम थर्टी टू लगाते हैं और आज हम आज हम करंट की बात करें तो सिक्सटी एट किसी बुक में सिक्सटी सेवन भी हो सकता है ठीक है तो ये हमारी एवरेज लाइफ है यानी एक इंसान की जो एवरेज लाइफ है वो थर्टी टू ईयर्स की थी और आज हम देखें मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास अच्छी प्रोवाइड हो गई हैं मेडिकल्स हैं हर गलियों में मेडिकल खुले हुए हैं दवाइयाँ अवेलेबल हैं ठीक है, है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे हमारी जो एवरेज लाइफ है वो बढ़ गई है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ये तो कहीं कन्फर्म नहीं है कि कितनी पॉवर्टी थी कितना था या कितना नहीं था लेकिन एक जनरल बात कहें तो पूरी चारों तरफ पॉवर्टी थी क्योंकि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था फॉरेन ट्रेड के अंदर कि वो जो है हमारा जो रॉ मेटेरियल था वो लेके चले जाते थे ब्रिटिश अपने घर और वो वहाँ से फिनिश गुड्स बनाकर वो हमारे इंडिया में लेके आते थे और वो सेल आउट करते थे हाई दामों मतलब पैसे उनके बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे और जो सामान हमारे पास से चला गया तो ऐसे ही उन्होंने एग्रीकल्चर में डिस्कस किया था कैश क्रॉप लगाई थी उन्होंने फूड क्रॉप्स की वजह तो भूखमरी आ गई थी वाट स्प्रेड पॉवर्टी हो गई थी फैमाइंस भूखा सूखा पड़ गया था और बंगाल में तो काफ़ी मशहूर हुआ था सूखा फैमान आया था जैसे करीब करीब काफी लोग लाखों में लोग मर गए थे उस वाइड स्प्रेड पॉवर्टी की वजह से तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कंडीशन इज वर्स कंडीशन इज वर्स्ट ठीक चारों तरफ भुखमरी थी सूखा था और हमारे पास से वो सारा ड्रेनेज करके भी लेके जा रहे थे सारा सामान जिसकी वजह से हम चारों तरफ से घिरे हुए थे ब्रिटिश से ना तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज थी ना मेडिकल फैसिलिटीज थी ना एजुकेशन थी हमारे पास और जिसकी वजह से जो हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन जो इस सामने निकल के आई है तो ये बता रहा है कि ये जो कंडीशन हैं डरिंग द ब्रिटिश पीरियड हमारी वर्स्ट कंडीशन है अब देखिए हमने काफ़ी इंप्रूव कर लिया है तो किसी किसी बुक में आपने देखा होगा इन्फेंट रेट कहीं थर्टी थ्री लिखा होगा कहीं फोर्टी फोर लिखा होगा ठीक है इंप्रूवमेंट हुआ है और लेटेस्ट अगर हम दो हज़ार तेईस इक्कीस की बात करें तो बीस के आसपास भी होना चाहिए बीस और बीस बीस और सत्ताईस के आसपास होगा ठीक है तो ये हमारा इन्फेंट मोटिलेटर वो डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ ठीक है अब क्या होगा तो ये तो कंडीशन थी हमारी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ओके थैंक यू स्टूडेंट्स